हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू एसी यानी एस स्टडी क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इज एम आर का यूज़। इससे आप आसानी से सीख जाओगे कि कहां पास इज का यूज़ होता है, कहां पास एम का यूज़ होता है और कहां पास आर का यूज़ होता है। पहले हम सीखने वाले हैं इज का यूज़ कहां पास होता है। तो जहां पास ही अगर आता है तो उसके साथ इज का यूज़ होता है, अगर सी आता है तो उसके साथ इज का यूज़ होता है, और इट है, दिस है, दैट है, और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन करता है, उसमें भी हमें इज का यूज़ करना है। अगर आपको बोध हो जाए कि वो एक वचन है या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमें इज का यूज़ करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए कि कहाँ पास इज का यूज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पास है ही इज़ अ बॉय, ही के साथ इज का यूज़ है तो इसलिए यहाँ पर ही इज़ अ बॉय। उसके बाद है सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। उसके बाद है इट इज अ चेयर, कोई सामान है तो उसमें भी क्या है, इट इज अ चेयर। उसके बाद है दिस इज अ बुक, दिस के साथ भी इसका यूज करना है तो दिस इज अ चेयर। उसके बाद आपका दैट इज अ कैट, दैट के साथ भी इसका यूज करना है तो दैट इज अ कैट। उसके बाद राम, राम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है मतलब एक वचन है तो इसलिए इसमें इसका यूज़ है, राम इज प्लेइंग। उसके बाद आपका द बर्ड इज फ्लाइंग, किसी एनिमल का नाम है वो भी एक सिंगुलर है, एक वचन है तो उसमें भी इज का यूज़ करना है तो द बर्ड इज फ्लाइंग। उसके बाद है कानपुर इज अ बिग सिटी, यानी कि ये भी नाम है, नाम के साथ एक नाम हो या एक वचन हो तो उसके साथ भी हमें इज का यूज़ कर देना है, कानपुर इज अ बिग सिटी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि एम का यूज़ कहाँ पास होता है। एम का यूज़ ज़्यादातर आई के साथ ही होता है और बाकी किसी के साथ भी एम का यूज़ नहीं होता है। चलिए कुछ एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। तो जैसे कि इसमें है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई के साथ ही एम का यूज़ होता है और किसी के साथ भी एम का यूज़ नहीं होता है। आई एम अ गर्ल, नेक्स्ट आपका आई एम वेरी हैप्पी, नेक्स्ट आपका आई एम अ बॉय, उसके बाद है आई एम अ प्लेयर। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार आर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आर का यूज़ अगर कहीं दी जाता है तो उसके साथ आर का यूज़ होता है, दो जाता है तो आर का यूज़ होता है, दे आए तो उसके साथ भी आर का यूज़ करना है, वी आए तो वी के साथ भी करना है, यू आए तो यू के साथ करना है। प्लूरल नाउन का मतलब है कि एक से अधिक, मतलब बहुवचन अगर आए, मतलब एक से अधिक कोई नंबर आता है तो उसके साथ भी हमें आर का यूज़ करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं कि आर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा यू आर माई फ्रेंड, यू के साथ हमें आर का यूज़ करना है तो यू आर माई फ्रेंड। वी आर प्लेइंग, वी के साथ भी हमें आर का यूज़ करना है तो वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट आपका दीज आर मैंगोज, तो दीज के साथ भी हमें आर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, अब इसमें एक नाउन नहीं है, इसमें दो नाउन आ गए हैं तो इसलिए इसमें आर का यूज़ करना है। अगर खाली सिंगल नाउन बसाता है यानी कि एक वचन बसाता है तो उसके साथ हमें इज का यूज़ करना है, लेकिन इसमें दो नाउन आ गए हैं मतलब बहुवचन हो गया है तो इसलिए हमें इसमें आर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका जेब्रा एंड लायन आर वाइल्ड एनिमल, आइए कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को हल करने का काम। तो पहला है राम प्लेइंग, अब इसमें क्या करेंगे, राम है तो राम क्या है, एक वचन है मतलब सिंगल नाउन है तो इसमें क्या करेंगे, हम इज का यूज़ कर देंगे, राम इज प्लेइंग। उसके बाद है आपका द बेल रिंगिंग, ये भी है एक सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन है तो इसमें भी हमें इज का यूज़ कर देना है। उसके बाद है आपका आई आ गर्ल, आई के साथ आपको पता है कि एम का यूज़ ही करना है तो इसलिए हम इसमें एम का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट आपका दिस एन ऑरेंज, दिस के साथ आपको पता है कि दिस के साथ हमें इज का यूज़ करना है तो यहाँ पर हमने इज का यूज़ कर दिया है। उसके बाद है आपका दैट आ ट्री, दैट के साथ भी इज का यूज़ करना है तो इसलिए हम इसमें इज का यूज़ कर देंगे। उसके बाद है दीज मैंगोज, आपको पता है कि दीज के साथ भी दीज है तो दीज के साथ हमें आर का यूज़ करना है तो इसलिए हम यहाँ पास आर का यूज़ कर देंगे। उसके बाद है वी हैप्पी, वी के साथ हमें आर का यूज़ करना है तो यहाँ पास हम कर देंगे आर। उसके बाद है दे सिटिंग, दे के साथ भी हमें आर का यूज़ करना है तो इसमें हम आर का यूज़ कर देंगे। आइए बच्चों इस करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें है आई हैप्पी, अब इसमें से क्या इसमें फिल करेंगे, तो एम करेंगे कि इज़ करेंगे, तो आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ ही करना है तो इसलिए यहाँ पास हम एम का यूज़ कर देंगे। उसके बाद है सी स्मॉल, सी के साथ हमें आर का यूज़ करना नहीं है
और C के साथ हमें is का यूज़ करेंगे तो यहाँ पास करेंगे C is। उसके बाद है V old, तो V के साथ हमें R का यूज़ करना है तो इसलिए हम यहाँ पास R कर देंगे। नेक्स्ट है आपका द कैट ब्लैक, द कैट ब्लैक इसमें is का यूज़ करना है कि M का यूज़ करना है, तो द कैट है तो ये सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन है तो इसमें हमें is का यूज़ ही करना है, और M का यूज़ आपको पता है कि M का यूज़ खाली I के साथ ही होता है। नेक्स्ट है आपका यू टॉल, यू टॉल यू के साथ हमें इसका यूज़ करना है कि R का यूज़ करना है, तो हमें जो है R का यूज़ करना है तो इसलिए हम यहाँ पास R कर देंगे। उसके बाद है ही सरप्राइज्ड, तो ही के साथ हमें इसका यूज़ करना है तो इसलिए हम यहाँ पास इस कर देंगे। तो बच्चों आई होप इज एम आर के यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।